गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास सिक्स के लिए एक निबंध है जिसका शीर्षक है महानता के बीच। यूनान देश में एक छोटा सा गांव था, वहीं एक छोटा सा लड़का रहता था। वह जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता और शाम को पास के शहर में जाकर उस लकड़ियों को बेचता था और उसी लकड़ियों के बेचने से जो उन्हें कुछ पैसे मिलते थे उसी से वो अपना जीवन यापन करता था, यानी वह घर का गुजारा करता था। लेकिन उस लड़के में एक अद्भुत सा गुण था जो कि उसके गट्ठर बांधने से पता चलता था कि वह लड़का में कितने आंतरिक गुण छिपे हुए हैं। उसने एक दिन जब लक्कर के गट्ठर को बांधकर आगे बढ़ा तो उसकी भेंट एक विद्वान व्यक्ति से हुई, क्योंकि वह विद्वान व्यक्ति बाजार की ओर जा रहे थे। उसने देखा कि वह बालक गट्ठर बहुत ही कलात्मक रूप से बांधा हुआ है। उसने उस लड़के से पूछा, क्या यह गट्ठर तुमने बांधा है? उस विद्वान को यह आश्चर्य लग रहा था कि आखिर यह नकरहारा एक छोटा सा लड़का खुद इतनी अच्छी तरह से गट्ठर बांध ले, यह आश्चर्य की बात है। अगर ये बांध लिया है तो वास्तव में इसमें कुछ एकाग्रचित्ता के गुण होंगे, कुछ कलात्मक गुण होंगे, कुछ धैर्यता होंगे और कुछ स्थिरता अवश्य होंगे, तब इन्होंने गट्ठर का इतना अच्छा स्वरूप दिया है। उस लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ और स्वयं गट्ठर बांधता हूँ और प्रतिदिन शाम को गट्ठर बाजार में बेचता हूँ। उस लड़के के सकारात्मक जवाब को सुनकर उस विद्वान ने लड़के को बहुत अच्छी तरह से पहले निहारने की कोशिश किया। उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम इसे खोलकर इसी प्रकार मेरे सामने बांध सकते हो? यह एक प्रश्न चिन्ह था उस लड़के के लिए, क्योंकि उसके आंतरिक गुण को वह विद्वान देखना चाहता था। इसलिए उन्होंने प्रश्न रखा कि तुम फिर से इस गट्ठर को खोलकर मेरे सामने बांध सकते हो? जी हाँ, यह देखिए। इतना कहते ही लड़के ने गट्ठर को खोला और बड़े ही सुंदर तरीके से पुनः उसे बांध दिया। विद्वान उसके प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक क्रियाकलाप को बहुत आराम से देख रहे थे कि आखिर इस लड़के में क्या गुण है। उसने बहुत ध्यान, लगन और फुर्ती के साथ गट्ठर को बांध रहा था। लड़के की एकाग्रता, लगन तथा कलात्मक रीति से काम करने का तरीका देखकर उस विद्वान ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब यह सोचने की बात है कि जब व्यक्ति में कुछ अपने व्यक्तिगत गुण होते हैं तो वास्तव में वह निसंकोची होता है, उसे अपने आप में कुछ संकोच नहीं होता है। जैसा कि उस लड़के ने विद्वान के सामने अपना परिचय दिया, विद्वान हर गुण को निखार रहे थे, उसके हर गुण को आराम से देख रहे थे कि कितनी इसमें लगनशीलता है, एकाग्रचित्ता है, कलात्मक गुण है, धैर्यता है। अगर इसे कोई अच्छा रास्ता मिल जाए, इसे कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाए तो वास्तव में यह सफलता के कगार पर पहुंच जाएगा। तो उसकी हर कार्य शैली को देखकर विद्वान ने उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए और जैसे ही प्रश्न रखा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे,
वह लड़का जाने को तैयार हो गया। मैं तुम्हें शिक्षा दिलाऊंगा और तुम्हारा सारा व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, मैं वहन करूंगा। यानी मैं तुम्हें शिक्षा के माध्यम में जो खर्च होंगे, मैं वे सारा पैसे का वहन मैं करूंगा। बालक ने सोच विचार कर अपनी स्वीकृति दे दी। स्वीकृति मतलब इजाजत, अपनी तरफ से राय दे दिए कि ठीक है, मैं जाऊंगा। उस व्यक्ति के साथ वह चला गया। उस व्यक्ति ने बालक को अपने रहने का, उसकी शिक्षा का प्रबंध किया। वह स्वयं को भी उसे पढ़ाता था। थोड़े ही समय में बालक ने एक महान दार्शनिक अपनी थोड़े ही दिन में वह बालक अपनी कुशाग्र बुद्धि और लगनशीलता के कारण उच्च शिक्षा को आत्मसात कर लिया। और थोड़े ही समय में उस बालक ने एक महान दार्शनिक पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि होनहार निर्वाण के कुछ चिकने पा, यानी बचपन में ही कुछ वैसे गुण उसमें छिपे हुए थे जिसकी परख उस विद्वान ने आसानी से कर लिया और उसमें महानता के बीज बो दिए। भला वह आदमी जिसने बालक के भीतरी परी महानता के बीज को पहचान कर उसे पल्लवित किया, वह यूनान का विख्यात तत्वज्ञानी डेमोक्रिटस थे, जिसने उसकी विद्वता को पहचान ली उसकी कला के माध्यम से। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी जो कला होता है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में काफ़ी मदद करता है। आखिर उसके गट्ठर बांधने की कला ने उसके अंदर छिपे हुए गुण को किस तरह से प्रकट किया, तो इस छोटे से निबंध के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि उस छोटे से बालक ने अपनी पहचान किस रूप में बनाया। एक लकड़ी के गट्ठर को बांधकर उसने अपनी पहचान एक विद्वान के नज़र में इस कदर बनाया कि उसके पढ़ाई, रहने, खाने और उच्च शिक्षा को प्राप्त करने का जो व्यय हुआ उस विद्वान ने किया। आखिर उसमें कौन से ऐसे महान गुण थे? जैसा कि आपको इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि उस कला के पीछे उसमें एकाग्रचित्ता छिपी हुई थी, क्योंकि एकाग्रचित व्यक्ति ही कोई काम को बहुत मन लगाकर करता है। लगनशीलता, वह नियमित रूप से, जैसा कि उसने बताया था कि मैं नियमित रूप से लकड़ी काटकर बाजार जाता हूँ और बेचकर अपने घर परिवार का गुजारा करता हूँ, तो वह उसकी लगनशीलता थी। धैर्यता, उसमें इतनी धैर्यता थी कि वह मेहनत करने से कभी हारा नहीं और जैसे तैसे कभी गट्ठर को बांधा नहीं। यह उसकी धैर्यता का पहचान था कि उसने धैर्य रखा, कम पैसे के लिए इतना मेहनत किया, यह उसकी धैर्यता का परिणाम था। तो हमें इस कहानी से एक सीख लेनी चाहिए कि हमें भी छोटे छोटे कार्य में लगन और ईमानदारी से कार्य को निर्वहन करना चाहिए। अगर हम किसी भी कार्य को पूरी लगनशीलता के साथ, एकाग्रचित्ता के साथ पूरा करते हैं, ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं, तो उसकी पहचान अवश्य कहीं ना कहीं होती है। देखने वाले के नज़र में यह होता है कि यह व्यक्ति काम को बहुत ईमानदारी से करता है, बहुत लगनशीलता से करता है। भले आपको लगे कि हमारे कार्य को कोई नहीं देख रहा है तो मैं जिस तरह से किसी तरह निपटा लूँ, ऐसा नहीं होता। लोग आपके हर कार्य को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आंकते हैं।
या लोग की नज़र में नहीं आ पाते हैं, तो खुद को जो समझदार व्यक्ति होते हैं उसे अच्छे कार्य से खुद को संतुष्टि मिलती है। तो इस कहानी से आपको यह सीख लेना है कि एक छोटे से बालक में कितनी धैर्यता, एकाग्रचित्ता और लगनशीलता थी कि एक दिन वह वैज्ञानिक के रूप में, विद्वान के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में साबित हुए। धन्यवाद।